नागपुर के शहीद हेमू कालानी चौक में शहीद हेमू कालानी की 100 वर्षीय जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, इन्होंने शहीद हेमू कालानी जी के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सिंधी समाज के हेमू कालानी जी ने मात्र 20 वर्ष की आयु में शहादत दी थी। उस वक्त की सरकार द्वारा शहीद हेमू कालानी जी को कई यातनाओं का सामना भी करना पड़ा। शहीद हेमू कालानी चौक में अखिल भारतीय सिंधी समाज द्वारा हेमू कालानी अमर रहे के नारे भी लगाए गए और शहीद हेमू कालानी जी की मूर्ति को हार चढ़ाकर बड़े उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई गई। आज के जो एक शहीद जो हेमू कालानी जी है, आज उनकी जयंती है, क्या बताओगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सबसे युवा उस समय के देश के आज़ादी में बड़ा योगदान देने वाले सिंधी समाज के शहीद हेमू कालानी साहब मात्र 20 वर्ष की आयु के अंदर में उन्होंने एक बहुत बड़ी शहादत दी। अंग्रेजों की भरी हुई एक ट्रेन हथियारों से लैस अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी। शहीद हेमू कालानी साहब ने वो ट्रेन के हथियार अपने काम में आने चाहिए करके ट्रेन को रोकने का काम किया। जो पटरी रहती है रेल की, उसमें से फिशपॉट निकाल कर उसको रोक कर हथियार निकालने का एक दुस्साहस उस समय में किया वहाँ पर, क्योंकि उस समय में वहाँ पर जो रेलवे का ट्रैक का निरीक्षण करते थे उनको ध्यान में आ गया और उन्होंने उस समय की अंग्रेजी सरकार को बुलाकर और उनको पकड़ने का काम किया। उनके साथी तो भाग गए लेकिन हमारे युवा साथी शहीद हेमू कालानी साहब पकड़ में आ गए। खूब यातनाएं उस समय की सरकार ने उनको दी लेकिन शहीद हेमू कालानी साहब ने जितनी भी यातनाएँ सहनी थी सही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द भी बोला नहीं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहादत दी। ऐसे शहीद हेमू कालानी साहब की आज 100 वर्ष जयंती को पूरे हो रहे, उनको हम शत शत नमन करते हैं और समाज के अंदर में, देश के अंदर में ऐसे युवा शहीद हमारे हेमू कालानी साहब का पूरा संदेश देश भर में जाना चाहिए। इसीलिए हमारे इकलौते देश के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है शंकर लालवानी साहब, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को दिल्ली के हमारे अम्बेडकर हॉल में बुलाकर एक बड़ा सत्कार का कार्यक्रम रखा है। मैं शंकर लालवानी साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सिंधी समाज के शहीद जो देश के ऊपर में बलिदान हुए उनके इतने बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है। मैं पूरे समाज को आने वाले एक वर्ष जो इनका 100 वर्ष जन्म उत्सव के हो रहे, एक वर्ष पूरा का पूरा हेमू कालानी साहब को याद करते हुए बड़े धूमधाम से हमने मनाना चाहिए, ऐसे देश के सभी सिंधी समाज के साथियों को आह्वान करता हूँ। आने वाले 2 मार्च को झूलेलाल महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। 2, 3, 4 अप्रैल दयानंद पार्क के ऊपर में, वहाँ पर भी हमारे शहीद हेमू कालानी साहब का हम एक कार्यक्रम रखने वाले हैं और पूरे देश भर को संदेश देने वाले हैं कि पूरा सिंधी समाज एक साथ सभी आजू बाजू के जो समाज यहाँ रहते हैं उनको जोड़ते हुए अपनी सिंधियत के साथ में अपनी खुशबू बिखेरते हुए पूरा ये वर्ष अच्छे से कार्यक्रम करे और ऐसे महान वीर आदरणीय शहीद हेमू कालानी साहब को शत शत नमन करता हूँ। जी, आपका बहुत ज़्यादा योगदान इस जयंती को मनाने के पीछे है, क्या बताओगे? मैं आपके माध्यम से पूरी समाज सभी समाजों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रभक्ति शहीद हेमू कालानी ने दिखाई, उसी राष्ट्रभक्ति को हमारे आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों ने अपनाना चाहिए। और मैं आप सबके सामने एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि शहीद हेमू कालानी जी को हमारी समाज द्वारा शेर ए सिंध की उपाधि दी गई है, जो किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया। मैं बताऊँ, शेर ए सिंध के नाम से उन्हें पहचाना जाए और पाठ्यक्रम में ये दर्ज किया जाए कि शेर ए सिंध शहीद हेमू कालानी है। तो यही मेरी एक भावना है कि जो उनसे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम ये सीखना चाहिए। इतना कालानी जी का सिंधी समाज के लिए काफ़ी योगदान है, सिंधी समाज ही नहीं तो देश के लिए काफ़ी योगदान है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आपकी सरकार है, हेमू कालानी जी का सिंधी समाज में जो योगदान था उसके लिए इस चौक में क्या करना चाहते हो? हेमू कालानी साहब का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और हम जब से हमने यहाँ पुतला स्थापित किया था हेमू कालानी साहब का और उनकी माताजी के हाथ से हमने इनका उसका उद्घाटन करवाया था 1983 से, तभी से जरीपटका कांग्रेस कमेटी व शहीद हेमू कालानी स्मारक समिति दोनों मिलकर लगातार हर त्यौहार, मतलब शहीदी दिवस, जन्मोत्सव, ये हम मनाते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम उस पर हम करते रहते हैं। और इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण
आज हमने यहाँ डिक्लेयर किया है माननीय मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब जी उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, क्योंकि वह इस क्षेत्र के आमदार भी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल द्वार जिसे हेमू कालानी द्वार कहा जाएगा वह एक हम बनाने जा रहे हैं, और इस पुतले का सौंदर्यकरण बहुत अच्छे रूप में, क्योंकि हमने पिछले 83 से लेके अभी तक, मैं समझता हूँ इतने सालों में हमने 2-3 बार सौंदर्यकरण किया है मगर वह अपूर्ण है। हमारे यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, ये सब हमारा जो चौक है बहुत व्यस्ततम इलाका है, मगर फिर भी हमें विश्वास है हम कैसे न कैसे अपने भाइयों को मनाकर वो जगह का थोड़ा यहाँ पे व्यवस्था करके उसको बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर हम उसको सौंदर्यकरण का रूप देंगे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।